आपने इंसान को भगवान की पूजा करते हुए तो अक्सर देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है जोधपुर के पास एक ऐसा अनोखा मंदिर है जहां पर एक मोटरसाइकिल को पूजा जाता है। जी हाँ, इस मंदिर में आपको मिलेगी एक 350 cc रॉयल एनफील्ड बुलेट, जिसकी यहां पर आने वाले भक्त एकदम भगवान की तरह पूजा किया करते हैं। तो चलिए आज के एपिसोड में आपको लेके चलते हैं इस अनोखे मंदिर के दर्शन कराने, जिसे श्री ओम बना या बुलेट बाबा टेम्पल के नाम से जाना जाता है। ओम बना या बुलेट बाबा मंदिर NH-62 जोधपुर पाली हाईवे पर स्थित है। हमने अपनी जर्नी जोधपुर से शुरू की, जहां से आपको इस मंदिर तक पहुंचने में ज़्यादा से ज़्यादा एक घंटे का समय लगेगा। ये 4-lane हाईवे काफ़ी वेल मेंटेन्ड है और इस वजह से आपको ओम बना मंदिर तक पहुंचने में किसी भी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। जोधपुर से ओम बना मंदिर तक के रास्ते में आपको एक टोल प्लाजा भी मिलेगा। अब चलिए बात करते हैं इस मंदिर के बारे में। ओम बना या बुलेट बाबा मंदिर की स्थापना कैसे हुई, इसके पीछे एक रोचक कहानी है। आज से करीब 30 साल पहले ओम सिंह राठौर नाम के एक शख्स अपनी 350 cc रॉयल एनफील्ड बुलेट पर बांगड़ी से अपने गांव चोटिला जा रहे थे। तभी अचानक वो अपनी बाइक का कंट्रोल खो बैठे और उनकी बाइक एक पेड़ से जा टकराई। इस हादसे में ओम सिंह राठौर की मौके पर ही मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद लोकल पुलिस उस बाइक को पुलिस स्टेशन ले गई, लेकिन अगली सुबह ये मोटरसाइकिल पुलिस स्टेशन से मिस्टीरियसली गायब थी। जब बाइक को ढूंढा गया तो ये उसी एक्सीडेंट स्पॉट पर पाई गई। पुलिस इसे वापस अपने थाने ले आई और इस बार बाइक को जंजीरों से बांधा गया और उसमें से पूरा पेट्रोल भी खाली कर दिया गया। लेकिन अगली सुबह ये बाइक फिर से उसी एक्सीडेंट वाली जगह पर मिली। पुलिस की बाइक को पुलिस स्टेशन में रखने की हर कोशिश नाकामयाब हो जाती, क्योंकि हर सुबह ये बाइक उसी एक्सीडेंट स्पॉट पर मिलती। ये खबर ओम बना के चोटिला गांव में आग की तरह फैल गई और फिर उसी साइट पर जहां ओम बना का एक्सीडेंट हुआ था, वहां पर एक मंदिर बनवा दिया गया। ऐसी मान्यता है कि इस हाईवे पर अपने सफ़र के दौरान जो भी यहां रुककर ओम बना के मंदिर में दर्शन करता है, ओम बना उसकी यात्रा को सुखद और सुरक्षित बना देते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसा भी माना जाता है कि अगर आप इस मंदिर में नहीं रुकते और सीधे निकल जाते हैं तो आपकी दुर्घटना होना तय है। यही वजह है कि हर दिन हजारों की तादाद में श्रद्धालु ओम बना और उनकी रॉयल एनफील्ड बुलेट मोटरसाइकिल के दर्शन करने आते हैं। गांव वालों का मानना है कि इस मंदिर में आने वाले लोग सच्चे दिल से जो भी मन्नत मांगते हैं, ओम बना उनकी मनोकामनाओं को जरूर पूरा करते हैं। किसी भी मंदिर की तरह यहां भी आने वाले भक्त ओम बना की बाइक को फूल माला और अगरबत्ती अर्पित करते हैं। इसी के साथ मंदिर में आने वाले काफी भक्त ओम बना को शराब भी चढ़ाते हैं, हालांकि ऐसा करना कंपलसरी नहीं है। यहां आने पर आपको कुछ लोग राजस्थानी लोकगीत भी गाते हुए मिलेंगे, जो यहां के माहौल में चार चांद लगा देते हैं। माना जाता है कि ओम बना की बाइक मनोकामनाएं पूरी करती है और यहां आने वाले भक्त इस बाइक के पास एक मन्नत का धागा भी बांधते हैं। ओम बना के प्रति लोगों के मन में जो सच्ची आस्था है वो देखने लायक है, और चाहे आप मोटरसाइकिल लवर हों या ना हों, अगर आप भगवान में विश्वास रखते हैं तो ओम बना के मंदिर के दर्शन आपको लाइफ में एक बार ज़रूर करने चाहिए। अब एक मिनट के लिए रिपोर्टिंग, जर्नलिज्म और फैक्ट्स को साइड में रखते हुए बात की जाए, और अगर आप हमारा ओपिनियन पूछें तो हमें भी ओम बना धाम पर आकर एक सुकून महसूस हुआ। और इस वजह से ऐसा मानना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि यह 350 cc बुलेट सच में एक चमत्कारी मोटरसाइकिल है। हमने भी इसके और ओम बना के सामने माथा टेका, अपनी सुरक्षा की कामना की और चल पड़े अपने नेक्स्ट एडवेंचर के लिए। जय श्री ओम बना।